नागरिकता संशोधन बिल 2019 की वास्तविकता से जनता को अवगत करवाने के लिए ऊना में बीजेपी द्वारा एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और नागरिकता संशोधन बिल 2019 की वास्तविकता से जनता को अवगत करवाने के लिए लोगों को घर घर जाकर इसके बारे में जागरूक करने की बात कही। नागरिकता संशोधन बिल 2019 की वास्तविकता से जनता को अवगत करवाने के लिए हिमाचल भाजपा द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में अब बूथ बूथ और घर घर जाकर लोगों को CAA के बारे में इसकी जानकारी देगी। बीजेपी ने एक इश्तेहार भी तैयार किया है जिसमें CAA के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। वह भी हर घर तक पहुंचाई जाएगी ताकि लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। वहीं सत्ती की माने तो कांग्रेस पार्टी देश भर में लोगों को CAA के प्रति गलत फहमी फैला रही है और अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई है। सत्ती ने आज जिले के तमाम पार्टी से जुड़े लोगों को बूथ बूथ पर जाकर लोगों तक ये सही जानकारी पहुँचाने की बात कही है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के अलग अलग कार्यक्रम तय किए हैं। प्रथम हम लोगों ने जिला मुख्यालयों के ऊपर बुद्धिजीवी सम्मेलनों का आयोजन किया, उसके बाद मंडलों में बुद्धिजीवी सम्मेलन हो रहे हैं और उसके साथ साथ जनसंपर्क अभियान के माध्यम से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में विरोधी दल, विशेष रूप से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, उस भ्रम के बारे में सच्चाई क्या है ये जानकारी देने के लिए हम लोग अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हमारी मीटिंग में जो निर्णय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी हर बूथ के ऊपर ऊना मंडल के कार्यकर्ता, जो पत्रक हम लोगों ने छपवाया है एक प्रदेश स्तर का, वो हर कार्यकर्ता तक पहुंचाएंगे, हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे ताकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की जो सच्चाई है उसकी जानकारी लोगों को मिल सके। वहीं बीजेपी ने बिना नाम लिए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर निशाना साधा है। सत्ती ने कहा कि जो नेता अवैध खनन को बीजेपी का संरक्षण बता रहे हैं, जबकि प्रदेश में फैला चिट्टा और अवैध खनन के वे माफिया हैं और उनकी सरकार के समय में जब वे उद्योग मंत्री थे तो सबसे ज्यादा माइनिंग लीज उन्होंने ही दी है और वही लोग अब अवैध खनन में लगे हुए हैं। हमारी सरकार कार्रवाई अगर करती है तो यही विपक्ष के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, जबकि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है तब से सबसे ज्यादा रासभ्या और चालान हुए हैं। वही सत्ती ने कहा कि स्वानाधि काफी बड़ी है और कई बार रेत माफिया रात का फायदा उठाकर भाग जाते हैं। अब समान नदी की बाउंड्री की जाएगी और उसमें पिलर भी लगाए जाएंगे ताकि अवैध खनन पर शिकंजा कसा जा सके। विपक्ष के लीडर ही हिमाचल प्रदेश में खनन और चिट्टे के सबसे बड़ा माफिया है। इनके समय पर हिमाचल प्रदेश में चिट्टा आया और इनके समय पर खनन का काम शुरू हुआ, अवैध धंधे शुरू हुए। 65 लीज अगर किसी ने दी असवा नदी के 14 किलोमीटर के अंदर, तो जिस समय मुकेश अग्निहोत्री जी विपक्ष के लीडर नहीं थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, उस समय इनके माध्यम से दी गई है और उसी लीज की आड़ में लोग अवैध खनन का धंधा करते हैं। और मुझे हैरानी होती है कि जब गवर्नमेंट उनको पकड़ती है, पीटती है पकड़ करके, उनके ऊपर केस में आती है, तो यही विपक्षी लीडर, यही कांग्रेस के नेता डीसी मुख्यालय के ऊपर धरने भी देते हैं, विधानसभा के अंदर विरोध करते हैं कि उनको पीटा गया, उनको पकड़ा गया, उन पे अत्याचार हो रहे हैं। तो ये दो मुंह है राजनीति करने वाले कांग्रेस के लीडर, आज मुझे समझ में नहीं आता किस मुंह से इस बात के बारे में उठाते हैं। सबसे ज्यादा केसेस, सबसे ज्यादा फाइन, सबसे ज्यादा रेड हमारे मंत्री ने, हमारे पुलिस विभाग ने, सब लोगों ने जगह जगह रेड की है, लेकिन रात के अंधेरे का लाभ उठा करके कुछ खननकारी आज भी ऐसी हरकतें करते हैं। प्रशासन को हमने खुला हाथ दे रखा है, जो व्यक्ति जहां गलत करता हुआ मिलता है उस व्यक्ति को प्रशासन पकड़ता है, लेकिन कांग्रेस के लोग ऐसे लोगों को शेल्टर देते हैं। इनकी कांग्रेस की पंजाब की गवर्नमेंट जब हमारे रात को अधिकारी पकड़ने के लिए जाते हैं तो इन्हीं के आदमी पंजाब के एरिया में चले जाते हैं और पंजाब में पुलिस उनको सेक्शन देती है कि ये हमारा एरिया है, सवा को नापा नहीं जा सकता। हम लोग सवा नदी के अंतिम शोर तक निशानदेह लेने का हम लोगों ने डिपार्टमेंट को कहा है और वहां कोई ना कोई पिलर लगाए जाए ताकि पता चल सके हिमाचल में स्वा नदी कहां तक चलती है। कार्यक्रम में एक बार भी वक्त चलाए, छोटे ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।